अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ रोही के साथ मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। खबर शामिल करते हैं कहरोड पका से। हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक कहरोड पका के साथ कस्बा लालपुर में हमेशा की तरह रुस्तम राइस फैक्ट्री में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। कबल अज़ मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबजादा अल्लामा हज़रत अबुल खैर डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर अलबरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर मेज़बान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजी मोहम्मद अकबर म्यू, हाजी लियाकत म्यू, मास्टर मोहम्मद इस्लाम, मास्टर मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार, हाजी जुम्मा खान और कसीर तादाद में सियासी समाजी शख्सियात और मीडिया पर्सन मौजूद थे। साहबजादा अलामा हजरत अबुल खैर डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर अलबरा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फलस्तीनी अवाम अरसा दराज से जुल्म की चक्की में पिसते रहे, लेकिन इस्लामी ममालिक समेत OIC खामोश रही। आखिरकार इसराइली मजालिम के खिलाफ फलस्तीनी अपने दिफा की खातिर सीना सपर हो गए। इस वक्त भी फलस्तीन में इसराइली मजालिम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस्लामी ममालिक की हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रही। अगर अहले कुफर अहले इस्लाम के खिलाफ मुत्तहिद हैं तो तमाम इस्लामी ममालिक को चाहिए कि हम मुत्तहिद होकर फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में साहबजादा अलामा हज़रत अबुल खैर डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर अलबरा साहब, अलामा कारी मोहम्मद अमीर नक्शबंदी ज़िले सदर लोधरा जमात अहले सुन्नत पीर सैयद कारी खुर्शीद अहमद शाह साहब बुखारी समेत दीगर उलमा कराम ने खुसूसी खिताब फरमाया। आखिर में मुल्क पाकिस्तान की सलामती फलस्तीनी अवाम और आलम इस्लाम के लिए खसूसी दुआ करवाई गई और लंगर तकसीम किया गया। फिलवक्त के लिए न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहें वॉइस न्यूज़ और रहें हर खबर से बाखबर। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ रोही न्यूज़।